प्रसिद्ध शिशु विद्या मंदिर में छात्र संगठन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बड़ी संख्या में भैया बहनों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। बता दें कि भैया निखिल यादव, रामचंद्र सोंधिया, जया विश्वकर्मा, रिया वर्मा, शुभम सेन, कुल वोटर 369 और कुल वोट डाले गए 301। मतगणना 6 राउंड में प्रार्थना सभा में सभी प्रतिभागियों के सामने मत पेटियां खोली गई, जिसमें निखिल यादव को 137 मतों के साथ प्रथम रहे। वहीं रामचंद्र सोंधिया 60 मतों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं शुभम सेन ने 58 मतों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। बता दें कि जया विश्वकर्मा 35 मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे और रिया वर्मा 10 मतों के साथ पांचवें स्थान पर रहे। संपूर्ण मतगणना के बाद निखिल यादव 77 मतों के भारी बहुमत के साथ विद्यालय छात्र संगठन के अध्यक्ष बने। दूसरे स्थान पर रहे रामचंद्र सोंधिया को विद्यालय छात्र संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और दोनों विजयी उम्मीदवारों को विद्यालय की ममता शर्मा और प्रज्ञा आचार्य ने जय माला पहनाकर और विजय तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर ही संपन्न कराई गई, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य सुभाष तांगी, रवि मालवीय, रामलाल लोधी, राजू लोधी, नर्मदा प्रसाद, उपेंद्र सक्सेना, राधेश्याम कुशवाहा, भगत सिंह राठौर, अलख नंदा दीदी, रूपाली दीदी मुख्य भूमिका में पूरी गतिविधि को संपन्न कराया। जिसके बाद विद्यालय छात्र संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष निखिल यादव ने सभी भैया बहनों को इतनी बड़ी जीत के लिए सभी का अभिवादन किया और बोला कि वो हर परिस्थिति में विद्यालय के भैया बहनों के साथ खड़े रहेंगे। सुठालिया से रवि सिलावट की रिपोर्ट।